आज अपन राजस्थान की हिस्ट्री शुरू करेंगे। राजस्थान की हिस्ट्री, और राजस्थान की हिस्ट्री में सबसे पहले पढ़ेंगे अपन गुज्जरें प्रतियार। गुज्जर प्रतियार को पढ़ेंगे, तो पहले नाम से ही लेंगे अपन गुज्जरें प्रतियार, नाम से ही शुरू करेंगे किसी भी राजवंश को। तो सबसे पहले नाम ले लेते हैं, जैसे नाम आता है गुर्जर प्रतिहार वंश। अब देखें तो ये वंश दो नाम से बना है, दो वर्ण है इसमें, है ना, एक है गुर्जर और दूसरा है प्रतिहार। हम क्यों ने इसी दो शब्दों को तोड़ने के परिपास सीखे, पहले इन दो शब्दों को तोड़ो। एक वर्ड मिल रहा है आपको गुर्जर और एक है प्रतिहार, यानी इनको गुर्जर क्यों कहा गया और इनको प्रतिहार क्यों कहा गया, है ना, गुज्जर और प्रतिहार। तो गुज्जर प्रतिहार में दो वर्ड है, दो शब्द हैं, एक गुज्जर है और एक है प्रतिहार। तो गुर्जर कहने के पीछे क्या मत रहे होंगे, प्रतिहार कहने के पीछे क्या रहे मत रहेंगे। इतिहास जो है वो साक्ष्यों पर चला है, इतिहास जो है वो साक्ष्यों पर, यानी किसी ने किसी अभिलेख में लिखा होगा, कोई ना कोई स्थान विशेष की बात हुई है, कोई ना कोई जाति विशेष की कहीं ना कहीं उल्लेख मिला होगा, उसी आधार पर इनको गुज्जर प्रतिहार कहा गया। अब देखो कारण ले लेते हैं कि गुज्जर कहने के पीछे क्या कारण रहा। एक तो इनका स्थान रहा है मूल स्थान, मूल स्थान, एक तो मूल स्थान है इनका गुजरात रहा। ऐसा माना गया कि इनका मूल स्थान गुजरात होने के कारण इनको गुर्जर कहा गया, मूल स्थान है गुजरात होने के कारण इसको गुजर कहा गया, चलो मान लेते। फिर गुजरातरा नाम कैसे पड़ा होगा, तो हो सकता है वहां की जाति जो थी वो गुजर थी, हो सकता है वहां की जाति गुजर थी। तो एक तो इनका मूल स्थान क्या बताया गया, मूल स्थान है गुजरातरा होने के कारण इसको क्या कहा, गुर्जर कहा गया। एक इनकी गुर्जर जाति, गुर्जर है जाति, गुर्जर जाति के होने के कारण, गुर्जर जाति के होने के कारण, गुर्जर जाति के होने के कारण इनको गुर्जर कहा गया। अब ये बात कहीं ना कहीं तो लिखी होगी, ये बात तो सही है भाई, ऐसे तो हम नहीं कह सकते कि इनको गुर्जर जाति के कह दिया, गुजरात स्थान कह दिया। तो गुर्जर जाति का जो उल्लेख मिला है, ये उल्लेख, यानी इनको गुर्जर जाति थी, ये गुर्जर जाति से बिलोंग करते थे, ये उल्लेख मिलता है ऐहोल अभिलेख में, ऐहोल अभिलेख, ऐहोल अभिलेख कर्नाटक में, ऐसा कहें कर्नाटक, ऐहोल अभिलेख कर्नाटक में है। और एक शासक हुआ है पुलकेसिन सेकंड, चालुक्य नरेश पुलकेसिन सेकंड, पुलकेसिन सेकंड के काल में रवि कृति के द्वारा लिखा गया था, उसमें इनकी जाति जो बताई है वो गुर्जर जाति बताया। अब गुर्जर जाति के बताए जाने के कारण हो सकता है इनको गुर्जर कहा गया, हो सकता है कि गुर्जर कहा गया। दूसरी बात, तीसरी जो मत यहां पे मिलता है वो है गुर्जर जाति के किसान, गुर्जर जाति के किसान, के किसान वर्ग से थे और गुर्जर जाति से बिलोंग करते थे, गुर्जर जाति के किसान, गुर्जर प्रतिहार गुर्जर जाति के किसान थे, इसका उल्लेख कहां मिलता है, तो ये उल्लेख मिलता है राजौरगढ़, राजौरगढ़, राजौरगढ़ अभिलेख है, राजौरगढ़ अभिलेख, ये राजौरगढ़ अभिलेख अलवर में है, सब कहां पे, अलवर। तो देखो हमने अब तक दो बात की कि गुर्जर प्रतिहार वंश में सबसे पहले दो शब्दों को तोड़ देते हैं, एक तो गुर्जर और दूसरा प्रतिहार। तो गुर्जर कहने के पीछे एक तो मत रहा है इनका मूल स्थान गुजरात है, दूसरा मत रहा है कि गुर्जर जाति के किसान, गुर्जर जाति के लोग होते हैं, शायद गुर्जर जाति के लोग थे, ये उल्लेख कहां मिलता है, हमें ऐहोल अभिलेख से मिलता है। फिर गुर्जर जाति के ये किसान थे, ये उल्लेख मिलता है राजौरगढ़ में, यानी उल्लेख पर आधारित है ये चीज लिखी हुई, ये ऐहोल अभिलेख में लिखा है और ये राजौरगढ़ में। तो फिर ये स्थान ये कहां पर उल्लेखित है, इसकी बात अपन बाद में करेंगे कि गुजरातरा प्रदेश का उल्लेख कहां है, कि गुजरातरा प्रदेश से बिलोंग करते थे, ऐसा भी कहीं ना कहीं मत मिला होगा, तभी तो गुजरातरा कहा गया कि इनका मूल स्थान क्या था, गुजरातरा था। तो गुर्जर प्रतिहारों का मूल जो स्थान है वो गुजरातरा है, गुर्जर जाति से बिलोंग करते हैं, ये उल्लेख मिलता है ऐहोल अभिलेख में, और गुर्जर जाति के किसान थे ये, ये बात मिलती है हमें राजौरगढ़ अभिलेख, और राजौरगढ़ अभिलेख पड़ता है आपका अलवर में। अब प्रतिहार कैसे है, इस प्रतिहार शब्द का जो अर्थ है
इसका अर्थ होता है द्वारपाल, द्वारपाल या फिर रक्षक, यानी चौकीदार थे साहब, द्वारपाल थे, द्वार के ऊपर चौकीदारी करते थे, पहरेदारी का काम करते थे, इसीलिए इनको प्रतियार कहा गया होगा। फिर दिमाग में आता है कि यार ये अगर प्रतियार थे या द्वारपाल थे या किसी के रक्षक रहे तो किसके रहेंगे। ऐसा माना जाता है कि गुप्तवंशी राजाओं के द्वारपाल थे, गुप्तवंशी राजाओं के द्वारपाल थे, चौकीदार थे। तो किसके द्वारपाल थे ये? गुप्तवंशी राजाओं के द्वारपाल, द्वारपाल होने के कारण क्या कहा गया इनको? प्रतिहार कहा गया। भाई प्रतिहार का अर्थ ही क्या होता है? द्वारपाल या रक्षक होता है, द्वारपाल या रक्षक। तो फिर ये द्वारपाल थे किसके? ये द्वारपाल हैं गुप्तवंशी राजाओं के, द्वारपाल रहे हैं, चौकीदार रहे हैं, इसी कारण इनको प्रतिहार कहा गया। जब प्रतिहार स्वयं राजा बने, यानी ये चौकीदार जब राजा बने, यही चौकीदार हैं, क्या बने? राजा बने। जैसे कई बार ना चला था ना आपने, चौकीदार चोर है, चला था काफी देर, तो भाई चौकीदार तो प्रधानमंत्री भी है आज तो, है ना, चाय वाला प्रधानमंत्री भी है। तो यहाँ पे प्रतिहार की बात करें तो प्रतिहार जो थे वो गुप्तवंशी राजाओं के द्वारपाल हैं। जब ये राजा बने तो अपने आप को पता इन्होंने क्या कहा? जी हम तो लक्ष्मण के वंशज हैं, हम तो आए ही लक्ष्मण से हैं। ये अपने आप को क्या मानते हैं? लक्ष्मण के वंशज, लक्ष्मण के वंशज, लक्ष्मण के वंशज माना। जब स्वयं प्रतिहार शासक बने द्वारपाल के बाद तो क्या माने अपने आप को? लक्ष्मण का वंशज। और अपने लिए एक शब्द यूज करते थे, एक शब्द का प्रयोग किया, वो था रघुकुल। रघुकुल शब्द अपने लिए प्रयोग में लिया, अपने आप को क्या कहते थे? रघुकुल कहते थे और लक्ष्मण के वंशज मानते थे। हमने जो बात की कि गुर्जर प्रतिहार में दो वर्ड है, एक गुर्जर है और एक है प्रतिहार। गुर्जर कैसे नाम पड़ा होगा, प्रतिहार नाम कैसे पड़ा होगा? तो गुर्जर नाम पड़ा है मूल स्थान गुजरातरा के कारण, इनकी गुर्जर जाति होने के कारण। गुर्जर जाति का उल्लेख एहोल अभिलेख में मिलता है, फिर गुर्जर जाति के किसान होने के कारण ये बात मिलती है राजुरगढ़ अभिलेख में ऐसा लिखा हुआ है। अब इसको प्रतिहार, प्रतिहार का मतलब है द्वारपाल या फिर रक्षक, और गुप्तवंशी राजाओं के द्वारपाल थे। एक अभिलेख उल्लेख और मिलता है, वो है आपका मंडोर अभिलेख। कौन सा? मंडोर अभिलेख। मंडोर अभिलेख को जोधपुर अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है, जो 837 में लिखा गया था। तो मंडोर अभिलेख के अंदर इन प्रतिहारों का एक गुत्तर बताया गया, प्रतिहार गुत्तर का उल्लेख किया गया। गुत्तर का समझ रहे हो, भाई किस गोत से है? तो मंडोर अभिलेख में यह कहा गया है कि प्रतिहार गुत्तर से थे, गुर्जर इनकी जाति थी, प्रतिहार इनका गुत्तर था। तो एक बात तो फिक्स होगी कि गुर्जर इनकी जाति रही होगी और प्रतिहार इनका गुत्तर रहा होगा, तो हो सकता है ये गुजरे प्रतिहार, क्योंकि ये उल्लेख हमें कहां मिलता है? मंडोरे अभिलेख में। मंडोर अभिलेख में स्पष्ट लिखा हुआ है मंडोरे अभिलेख। तो मंडोर अभिलेख में क्या बताया गया? प्रतिहारों को क्या बताया? प्रतिहार, गुजर प्रतिहारों का गुत्तर क्या बताया गया? प्रतिहार गुत्तर बताया गया। बात समझ में आई? यहां तक कोई डाउट है किसी को? मुझे लगता है कोई डाउट है नहीं है। बात दोबारा से रिवाइज करते हैं कि प्रतिहार वंश में दो शब्द है, गुजर प्रतिहार में एक प्रतिहार है, एक गुजर है, और गुजरातरा स्थान के कारण इनको गुजर प्रतिहार गुजर कहा गया होगा। दूसरा, इनकी गुजर जाति रही होगी, गुजर जाति का उल्लेख कहां मिलता है? गुजर जाति का उल्लेख मिलता है एओल अभिलेख में, जो रवि कृति के द्वारा पुलकेशिन सेकंड चालुक्य पुलकेशिन सेकंड के काल में लिखा गया था। और इसके बाद एक था गुर्जर जाति के किसान, गुर्जर जाति के किसान होने के कारण इनको गुर्जर कहा गया होगा, और गुर्जर जाति के किसान इनको राजोरगढ़ अभिलेख में कहा गया। फिर बात आती है प्रतिहार की बात करें तो प्रतिहार का अर्थ ही द्वारपाल या रक्षक होता है, द्वारपाल या रक्षक होता है। अब ये किसके वश रक्षक रहेंगे, किसके द्वार पर रहेंगे, किसकी चौकीदारी की होगी इन्होंने? तो इन्होंने चौकीदारी की गुप्तवंशी राजाओं की, गुप्तवंशी राजाओं के चौकीदार थे, द्वारपाल थे, जो स्वयं राजा बने, लक्ष्मण के वंशज कहने लगे,
भाई स्वयं जब राजा बने तो लक्ष्मण का क्या कहने लगे, वंशज। और अपने लिए कौन सा शब्द का प्रयोग करते हैं, रघुकुल शब्द का प्रयोग करते हैं। एक उल्लेख हमें जो अभिलेखों में मिलता है वो है मंडोर अभिलेख। मंडोर अभिलेख को जोधपुर अभिलेख भी कहा जाता है, जो जिसके अंदर प्रतिहार गुत्तर का उल्लेख किया गया। तो हमें इस साक्ष्य पर पहुंचे अपन कि शायद इनको गुज्जर प्रतिहार कहने के कारण रीजन रहा होगा कि एक तो इनकी गुर्जर जाति रही होगी और प्रतिहार इनका गुत्तर रहा होगा, गोत्तर रहा होगा। हो सकता है ये गुप्तवंशी राजाओं के द्वारपाल भी रहे होंगे, तो ये उल्लेख हमें मिलता है। अब बात है मूल स्थान, इनका मूल स्थान क्या है, गुजरात राज। अब मूल स्थान की बात करेंगे कि कहीं ना कहीं ये लिखा होगा, कहीं ना कहीं उल्लेख हुआ होगा, कहीं ना कहीं ये बात हमें लिखी मिली होगी इतिहास में, कभी अभिलेखों में, कहीं ना कहीं शिलालेखों में ये आपको जानकारी मिली होगी कि इनका मूल स्थान गुजरात रहा होगा। तो अब बात करते हैं अपन गुजरात की, यानी दो बातें कर ली, गुजर और प्रतिहार। अब बात करते हैं मूल स्थान की। अब मूल स्थान पे अगर हम बात करें तो इनका मूल स्थान, मूल स्थान, मूल स्थान गुजरात्रा बताया गया है ना, क्या बताया गया, गुजरात्रा प्रदेश बताया गया। अब मूल स्थान जब गुजरात्रा प्रदेश बताया गया तो कहीं ना कहीं इसका उल्लेख होगा। इसका उल्लेख कहां मिलता है, सबसे पहली बात है इसका उल्लेख, क्योंकि ऐसे तो गुजरात्रा प्रदेश कहा नहीं गया होगा, तो इसका उल्लेख एक तो मिलता है आपका मंडोर अभिलेख या फिर जोधपुर अभिलेख, जोधपुर अभिलेख जो 837 ईस्वी का काल का है, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो उल्लेख मिलता है वह है घटियाला, घटियाला अभिलेख, घटियाला जोधपुर में ही पड़ता है, कहां पड़ता है ये, जोधपुर, और ये 861 ईस्वी के काल का है। तीसरा जो उल्लेख मिलता है वो सजन तमर पत्र, सजन तमर पत्र जो उज्जैन में लिखा हुआ है। इसके बाद एक उल्लेख में ऐतिहासिक कृति में मिलता है हरिवंश पुराण, हरिवंश पुराण। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ऐसा, गुजरात्रा प्रतिहारों का मूल स्थान गुजरात्रा था, इसका उल्लेख निम्न में से किस अभिलेख में मिलता है, तो मंडोर अभिलेख में, घटियाला अभिलेख में, दो ये अभिलेखों में मिलता है, एक तो मंडोर अभिलेख में मिलेगा, एक है घटियाला अभिलेख में। किस कृति में मिलता है, तो कृति का नाम है हरिवंश पुराण, हरिवंश पुराण। ये जब आगे एक प्रतिहार शासक आएगा वत्सराज, वत्सराज के काल में 783 ईस्वी को समथिंग जीन सेन सूरी ने लिखा था, ये जीन सेन सूरी, और ये जीन सेन सूरी जो है ये उज्जैन के बिलोंग करते हैं, उज्जैन से थी और राजस्थान में लिखा था इन्होंने, देख लो। और ये जो सजन ताम्र पत्र है ये भी हमें उज्जैन से मिला है, कहां से, उज्जैन से। तो आप जो गुज्जर प्रतिहार पढ़ेंगे, गुज्जर प्रतिहार राजस्थान ही नहीं, कंप्लीटली लेंगे अपन, इंडिया के क्षेत्र की बात करेंगे, दोबारा आपको गुज्जर प्रतिहार पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। तो देखो मूल स्थान इनका गुजरात्रा कहा गया। अब मूल स्थान गुजरात्रा कहा गया तो इसका उल्लेख कहां मिलता है, उल्लेख हमने पढ़ा कि इसका उल्लेख तो दो अभिलेखों में, एक ताम्र पत्र में और एक ग्रंथ में है। किस किस में बताया, दो अभिलेख, एक ताम्र पत्र और एक एक ग्रंथ में है। तो मंडोर अभिलेख जो 837 में जोधपुर के, जोधपुर अभिलेख के नाम से भी जाना, इसके पीछे रीजन है, थोड़ा रीजन बता दो, इसलिए के पन्ने याद रह जाएंगे। एक प्रतिहार शासक हुआ जिसका नाम बाउक था, क्या नाम था, बाउक। बाउक ने इस मंडोर के अंदर एक अभिलेख लिखवा दिया, विष्णु मंदिर बनवा दिया, क्या बनवाया, विष्णु मंदिर। बाउक ने उस समय विष्णु मंदिर बनवाया मंडोर में,
कहाँ? मंडोर। और मंडोर की दीवार पे, उस मंदिर की दीवार पे एक शिलालेख के, उस शिलालेख समझ रहे हो, ये देखो कई नाम आते हैं, एक शिलालेख आता है, एक स्तंभ लेख आता है ना। तो स्तंभ लेख होते हैं ना, वो तो सीधे इस प्रकार से कोई स्तंभ बनाया उसके ऊपर लिख दिया, ये तो स्तंभ लेख होता है। और बड़ी कोई शिला है, बड़ा सा कोई पत्थर है, वो शिलालेख हो जाता है। बात तो ये की लिखे पत्थरों पे, चाहे शिलालेख बोल दें चाहे स्तंभ लेख बोल दें। तो उन्होंने एक अभिलेख लिखवा दिया दीवार के ऊपर, विष्णु मंदिर बनवाया। अब पता है कि जैसे जैसे धीरे धीरे टाइम बीतता जाएगा, दीवारें तो खंडर होती जाएंगे, अब धीरे धीरे खंडर हो गया। जब जोधपुर दुर्ग बना और जब पत्थरों की जरूरत पड़ी, जोधपुर दुर्ग जब बनाया गया, मंडोर दुर्ग जब बना तो पत्थरों की जरूरत पड़ी। भाई पत्थर लाने थे, मंडोर में देखा तो ये पत्थर ऐसे ही पड़े थे सब, समझ रहे हो, उसमें परिस्थिति वाला पत्थर भी था। अब ये सारे के सारे पत्थर लगा करके दीवार के परकोटे में लगा दिया। ये तो राजस्थान के इतिहासकारों को पता चला कि यार दीवार के ऊपर तो लिख रहा क्यों किमिन किमी, बाद में उसको उठवाया गया। यही इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, जोधपुर अभिलेख भी कहा जाता है। तो मंडोर अभिलेख जो लिखा है, पहली बात तो ये विष्णु मंदिर की दीवार पर उल्लेखित, विष्णु मंदिर की दीवार पर उल्लेखित। दूसरी बात है कि इसको लिखवाया किसने, बाउक, प्रतियार शासक वह के बाउक ने लिखवाया इसको। किसने लिखवाया है, बाउक ने लिखवाया। इसके अंदर उल्लेख क्या मिलता है, एक तो मिलता है गुजरातरा प्रदेश, गुजरातरा प्रदेश का उल्लेख मिलता है। और अभी थोड़ी देर पहले हमने एक बात की थी प्रतियारे गोत्र, और इसके अंदर जो उल्लेख है वो प्रतियार गोत्र का भी है, प्रतियारे गोत्र। तो मुख्य बात है गुजरातरा प्रदेश और प्रतियारे गोत्र का जो उल्लेख है वो मंडोर अभिलेख में। इसके अंदर मंडोर के प्रतियार शासकों की नामावली भी है, उनका इतिहास भी है। क्या बोला है, मंडोर के शासक जो रहे हैं हरिश्चंद्र से लेकर के बाउक तक की बात करें तो मंडोर के शासक हरिश्चंद्र, इसको रोहिल्दी उसकी उपाधि थी, वेदों का ज्ञाता होने के कारण उसे रोहिल्दी कहा गया है। तो विष्णु मंदिर की दीवार के ऊपर बाउक ने इसको लिखवाया था, और इसको गुजरातरा प्रदेश का उल्लेख भी मिलता है। एक तो मिलता है गुजरातरा प्रदेश का उल्लेख, और एक मिलता है प्रतियारे गोत्र का उल्लेख, प्रतियारे गोत्र का उल्लेख मिलता है। तो तभी तो हमने क्या कहा था कि प्रतियारे प्रतियार क्यों पड़े नाम, कि कोई ना कोई प्रतियार गोत्र इनका रहा होगा या फिर गुर्जर इनकी जाति रही होगी, तभी ये गुर्जर प्रतियार कहलाएंगे। पर हमें साथ साथ ये भी उल्लेख मिलता है यार इनके तो, इनका तो स्थान भी गुजरातरा रहा है। अब ये गुजरातरा स्थान किधर पड़ता है, राजस्थान का दक्षिण पश्चिमी, राजस्थान दक्षिण पश्चिमी यानी बांसवाड़ा वाला एरिया, बांसवाड़ा उदयपुर सिरोही ये पाली वाला एरिया, और उधर जैसलमेर से नीचे वाला एरिया, ये पूरा दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के इर्द गिर्द का क्षेत्र था, वो गुजरातरा प्रदेश कहलाए। मुख्यतः इनका जो राजवंश रहा है वो गुजरात में ही रहा है, बड़ोच, कौन सी शाखा, बड़ोच शाखा। तो मंडोर अभिलेख, जोधपुर अभिलेख 837 में बाउक के द्वारा लिखा है वसु विष्णु मंदिर पे, बाद में जोधपुर के दीवार के परकोटे में लिखवाया, इसीलिए इसे जोधपुर अभिलेख भी कहा जाता है। एक है गटियाला अभिलेख, गटियाला अभिलेख का बहुत लंबी चौड़ी कहानी है सब, गटियाला अभिलेख की तो बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। सबसे पहले गटियाला अभिलेख की थोड़ी बात बता देता हूं, एक जैन मंदिर था, प्राचीन काल का एक जैन मंदिर था, और उस जैन मंदिर के ऊपर एक अभिलेख लिखा था प्राकृत भाषा में, किस भाषा में, प्राकृत भाषा में एक अभिलेख लिखा हुआ था। जैन मंदिर की दीवार थी, किसकी, जैन मंदिर के, और ये लिखवाने का जो उस समय जैन मंदिर के दीवारों के बाद क्या होता है वो बताता हूं, सुनिए। एक जैन मंदिर की दीवार पर एक कुकुक के काल का, किसके, कुकुक, कुकुक के काल की बात करते हैं। तो कहते हैं कि स्टार्टिंग में जैन मंदिर था और जैन मंदिर की दीवार पर प्राकृत भाषा में लिखा हुआ था, बाद में इसी जैन मंदिर की दीवार के ऊपर कुकुक ने इसको हटवा दिया, कुकुक ने क्या किया, हटवाया, और जो सेंस, जो प्राकृत भाषा में लिखा था उसको संस्कृत में अनुवाद करवा दिया।
किसमें? संस्कृत में। और इसके दो पार्ट कर दिए, दो अभिलेख बना दिए, एक इस प्रकार से और एक अभिलेख इस प्रकार से, दो अभिलेख बनवा दिया अलग अलग, समझ रहे हो। इनके ऊपर कुछ लिखवा दिया। पहले में तो क्या किया कि जो जैन मंदिर की जो दीवार पे लिखा हुआ था उसका हिंदी में नहीं संस्कृत में अनुवाद करवा दिया। तो यहां पे संस्कृत में क्या करवाया, पहले में अनुवाद मात्र है, तो इसका मतलब गटियाला अभिलेख की भाषा संस्कृत है। क्या है? संस्कृत। दोबारा सुन ले, गटियाला अभिलेख जोधपुर में 861 के अंदर कुकुक के काल में, कुकुक ने क्या किया कि जो जैन मंदिर के ऊपर प्राकृत भाषा में लिखा था उसका संस्कृत में अनुवाद करवा दिया और अनुवाद करके एक अभिलेख पे लिखवा दिया और उसकी उसका सीधा संस्कृत में अनुवाद करवा दिया। दूसरे अभिलेख में क्या किया कि इसके ऊपर जो लिखवाया है ना, इसके ऊपर जो लिखवाया संस्कृत में, इसके ऊपर भी संस्कृत भाषा में लिखवाया, यानी इसकी भाषा भी संस्कृत। पर साथ ही साथ इस अभिलेख के जो किनारे थे ये वाले, इन अभिलेखों के यहां पे गणेश जी की मूर्तियां लगा दी। क्या लगा दी? गणेश मूर्ति। किनारों पे गणेश जी बैठा दिए चार, चार किनारों पे क्या बैठा दिए? गणेश जी। चलो मैं बैठा के दिखाईता हूं आपको, देखो फिर समझ में आएगा। देखो अपन थोड़ा सा ये लंबा चौड़ा है तो इसको थोड़ा बता देता हूं। गटियाला अभिलेख, गटियाला अभिलेख 861 का है और जोधपुर पड़ता है, जोधपुर। सबसे पहले ये जैन मंदिर की दीवार पे है, जैन मंदिर की दीवार पे था और जैन मंदिर की दीवार के ऊपर प्राकृत भाषा में लिखा था, प्राकृत भाषा। अब इसको क्या किया कि जो प्राकृत भाषा को संस्कृत में अनुवाद करवा दिया, संस्कृत में अनुवाद। ये काम कुकुक ने किया। किसने किया? कुकुक ने। एक कुकुक करता है और दो अलग अलग अभिलेख बनवा देता है। समझ रहे? इस प्रकार से दो अभिलेख बनवा दिए। इसके ऊपर यहां पे चारों कॉर्नर पे क्या लगा दी? एक गणेश जी बैठा दिए, विनायक जी बैठा दिए, ठीक है। इसी प्रकार से यहां पर ये चार गणेश, चार जी गणेश जी बैठा दिए। इसकी भाषा भी संस्कृत रही और इसकी भाषा भी संस्कृत रही, दोनों की भाषा संस्कृत। इसमें तो पहले में तो सिर्फ अनुवाद मात्र है, पर ये इसने नया लिखवाया। अब लिखने का कोई ना कोई तो काम करेगा, कोई ना कोई पत्थर से उस पत्थर को कोरेगा जिसका उत्कीर्ण करता होता है। तो इस अभिलेख की बात करें तो इसका जो लेखक है वो मातृ रवि है। मातृ रवि लिखने का काम जो किया, एक होता है उत्कीर्ण करता, उत्कीर्ण करता या उत्कीर्ण उत्कीर्णकार, यानी पत्थर छीणी ले, यानी छीणी थोड़ा लेके पत्थरों के ऊपर अक्सर उकेरे जी आप कॉपी लेके कोई नुखारा ने। तो ये काम किया है कृष्णेश्वर ने। किसने? कृष्णेश्वर। और ये लिखवाने का काम किसने किया? कुकुक ने। परंतु पहला, इसका पहला और अंतिम, पहला और अंतिम, पहली और अंतिम पंक्ति सेम कुकुक ने लिखी। बोलना सा पहलो में लिख से और अंतिम भी में लिख से, थारो काम है बीच को देख लो, है ना। तो कोई उसका एक पहले पढ़ ले लास्ट पढ़ ले तो बीच को नहीं पढ़े तुम्हारो नाम तो रहे। तो अंतिम करो कुकुक, आपको पहलो और अंतिम जो लिखे हुए, पहला अंतिम जो पंक्तियां लिखी हैं वो लिखे हैं स्वयं कुकुक ने। अब बीच का लिखा है मातृ रवि ने, कृष्णेश्वर ने उसको उत्कीर्ण कर दिया, ठीक है। और इनके अभिलेखों की जो शुरुआत की दो नाम से की है, एक का नाम सिद्धम, पहले पे लिखा सिद्धम और विनायक, सिद्धम और विनायक, बात गणेश जी की करता है, शुरुआत ही गणेश के नाम से करता है। सिद्धम और विनायक नाम के दो शब्दों के साथ इस अभिलेख पर लिख देता है, इसीलिए इस अभिलेख को गणपति अभिलेख कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
गणपति अभिलेख, ठीक है ना। तो इस अभिलेख की जो उपमा है, इसका उपनाम जो है वो गणपति अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है। हमें एक बार पेपर में पूछा गया है कि गटियाला अभिलेख किस भाषा में है, तो इसकी भाषा क्या करनी है, संस्कृत। लेखलाख के निचेता हो गया सब, हरिश्चंद्र से लेकर के कुकुक ने अपने तक का इतिहास लिखवा दिया, मंडोर के इतिहास की नामावली लिखवा दी, सारा काम पूरा हो गया। अब पता है कि धीरे धीरे कालक्रम बीतेगा, तो कालक्रम बीतेगा तो खंडर होएगा। अब के ऐसा जैन मंदिर के में मूर्ति हुई कुछ, और धीरे धीरे यो खंडर होता गया। बाद में लोग उड़े के करना गया, माता जी की पूजा करना गया। ऐ जैन मंदिर में कहीं की पूजा करना गया, माता जी की। तो माता की साल, माता की साल, ये जो प्रारंभ में जैन मंदिर था, बाद में धीरे 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 समय बीता, लोगों ने यहां माता रानी की पूजा करनी शुरू कर दी। तो इसीलिए ये माता की साल जो पड़ती है ये जोधपुर में ही पड़ते हैं। गटियाला अभिलेख माता की साल पे है, जैन मंदिर के प्रारंभ में जो लिखा था जैन मंदिर पे। इसके अंदर जो इनका जो मूल स्थान बताया गया, मूल स्थान है गुजरात्रा ही बताया गया है। गुजरात्रा मूल स्थान है, गुजरात्रा का ही उल्लेख है। अब बात अगर हम दोबारा से ताम्रपत्र की करें, तो ताम्रपत्र में हमने एक बात पढ़ी कि सजन ताम्रपत्र जो ये वाला है ये उज्जैन के अंदर है, इसमें भी मूल स्थान है गुजरात्रा की बात करता है। हरिवंश जो पुराण है ये वत्स राज के काल में लिखा गया। किस काल में? वत्स राज के काल में लिखा गया, वत्स राज के काल में लिखा गया। उज्जैन के थे जीनसेन सूरी ने जो वत्स राज के काल में लिखा था हरिवंश पुराण। इनमें मूल स्थान क्या बताया गया है? गुजरात्रा बताया गया। ये बात थी मूल स्थान की। तो हमने क्या पढ़ा, एक तो गुजर प्रतिहार और एक गुजरात्रा प्रदेश मूल स्थान, दो बातें हमारी कवर हो गई। अब बात आती है कि मूल स्थान के बाद इनको गुजर प्रतिहार किस अभिलेख में कहा। अब तक तो हम बात कर रहे हैं तो किसी में गुजर की बात कर रहा है, किसी में प्रतिहार की बात कर रहा है, और मूल स्थान गुजर प्रतिहार कह रहा है, पर स्पष्ट रूप से इनको गुजर प्रतिहार किसने कहा है, मेरी बात समझ पा रहे हो? कहीं ना कहीं अभिलेख में लिखा होगा कि इनको मूल रूप से गुजर प्रतिहार किसने कहा। सेकेंड ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है कि निम्न में से किस अभिलेख में प्रतिहारों को गुजर प्रतिहार कहा गया है, निम्न में से किस अभिलेख में प्रतिहारों को गुज्जर प्रतिहार कहा गया। अब तक जो हम बात किए हैं गुज्जर की बात अलग किए, प्रतिहार की बात अलग किए, और गुजराता प्रदेश की बात अलग किए। अब जो बात कर रहे हैं कि इनको गुज्जर प्रतिहार किस में कहा गया, तो गुज्जर प्रतिहार कहा गया, इसका उल्लेख कहां मिलता है, इसका उल्लेख मिलता है ऐसा गुजरात के अंतर्गत। गुजरात में चार अभिलेख है, कितने? चार अभिलेखों में लिखा हुआ है। अब याद कैसे रहे इन अभिलेखों का, देखो ऐसे याद रखेंगे कि एक तो देवली नील रांध के कड़कड़ चाबई के कहो, देवली नील रांध के कड़कड़ चाबई। अब बात आपने याद रह जाएगी, इन चार अभिलेख में जो गुजरात में है इनको गुज्जर प्रतिहार कहा गया। एक तो देवली, एक स्थान है नीलकुंड, एक है रांधनपुर और एक है कराड़। ये देवली अभिलेख, नीलकुंड अभिलेख और रांधनपुर अभिलेख और फिर कराड़े अभिलेख। तो क्या बात बोली गई है कि देवली नील रांध के कड़कड़ चाबई के देवली नील रांध के कड़कड़ चाबई। तो यह बात अपने याद रह जाएगी। चलो गुज्जर प्रतिहार भी कह दिया ना, गुजरात्रा की भी बात कर ली। गुजरात्रा का जो उल्लेख किया है वो चार जगह मिला, दो अभिलेख में, एक ताम्र पत्र और एक ग्रंथ में। गटियाला अभिलेख की बात की, मंडूर अभिलेख की बात की, सजन ताम्र पत्र की बात की, हरिवंश पुराण की बात की। तो चार के अंदर तो इनको क्या कहा गया, मूल स्थान इनका गुजरात्रा बताया गया।
पर प्रतिहार इनको गोत्र किस में बताया, मंडोर अभिलेख में बताया गया, मंडोर अभिलेख में। गुर्जर जाति किस में बताई गई, एओल अभिलेख में। गुर्जर जाति के किसान किस में कहे गए, राजौरगढ़ अभिलेख में। तो इस बात से कहीं ना कहीं पुष्टि होती है कि सही नाम है, कोई गुर्जर प्रत्यय रखना वाजिब था इनका। हो सकता है इनका मूल स्थान गुजरात प्रदेश रहा हो सकता है इनकी जाति गुर्जर रही हो सकता है इनका गोत्र प्रतिहार रहा हो, कि ये उल्लेख मिलता है। ठीक है, अब बात आती है कि जो गुज्जर प्रतिहार हैं इनका कालक्रम क्या है, काले क्रम कहां से लेकर कहां तक इन्होंने शासन किया, कहां से लेकर कहां तक शासन किया हुआ। तुम लोग इनका जो कालक्रम है छठी से बारहवीं शताब्दी तक इनका कालक्रम माना गया। छठी से बारहवीं शताब्दी इनका जो कालक्रम मानता है वो मजुमदार है। कौन है? मजुमदार। मजुमदार के अनुसार, मजुमदार कहते हैं कि इनका जो कालक्रम रहा है वो छठी से बारहवीं शताब्दी रहा है, छठी से बारहवीं। वैसे इसका कालक्रम माना जाता है सातवीं से बारहवीं शताब्दी। कौन सी? सातवीं से बारहवीं शताब्दी। वैसे इनका कालक्रम सातवीं से बारहवीं शताब्दी माना जाता है, पर मजुमदार कहते हैं नहीं जा, छठी शताब्दी में आ गए थे, है ना, शायद अस्तित्व नहीं था परंतु छठी शताब्दी में आ गए होंगे। ये इनके कालक्रम की बात आती है। अब इन गुज्जर प्रतिहारों की एक शैली रही है, शैली यानी किस शैली के अंदर ये दीवारों का भवनों का जो निर्माण करते थे उस शैली कहलाई गुज्जर प्रतिहार, गुज्जर प्रतिहार शैली, जिसे महामारू के नाम से जाना जाता है। तो इनकी शैली कौन सी थी? महामारू, महामारू, महामारू शैली या फिर गुज्जर प्रतिहार शैली, गुज्जर प्रतिहार शैली, प्रतिहार शैली। ये जो गुज्जर प्रतिहार शैली या महामारू शैली में जो अपने राजस्थान में स्थापत्य कला के उदाहरण मिलते हैं, ये कौन सी शताब्दी के अंतर्गत आते, कौन सी शताब्दी में सर्वाधिक निर्माण हुआ होगा? तो इनका भी एक कालक्रम है, इनका कालक्रम बताया गया है कालक्रम, इनका कालक्रम बताया आठवीं से बारहवीं शताब्दी में इन राजस्थान के अंदर जो स्थापत्य कला के अंदर जो निर्माण हुआ है, कुछ भवन मंदिर बने हैं, वो कौन सी शैली के हैं, गुज्जरें प्रतिहार या महामारू शैली, जिनका कालक्रम माना जाता है आठवीं से बारहवीं शताब्दी। कोई डाउट है यहाँ तक? हमने देखो पहली बात गुज्जर प्रतिहार में दो अलग अलग वर्ड कर लिए, गुजरातरा प्रदेश की बात कर ली, गुजरातरा प्रदेश की बात कर ली, दो अभिलेखों की बात भी साथ साथ कर ली। और अब बात की कि गुज्जर प्रतिहार कहाँ कहाँ गए हैं, तो हमने पढ़ा कि देवली नील रांध के कड़कड़ चबे ईसा, है ना, एक बाद कालक्रम छह से बारह, छठी से बारहवीं शताब्दी कालक्रम मजुमदार के अनुसार, किसके अनुसार है? मजुमदार। पर इनकी जो शैली रही है, इनकी जो शैली रही वो महामारू या फिर गुज्जर प्रतिहार शैली, आठवीं से बारहवीं शताब्दी में राजस्थान में जो इनके स्थापत्य कला के जो हमें अवशेष मिले हैं वो कौन सी शताब्दी के? आठवीं से बारहवीं शताब्दी के मिले। कोई डाउट है किसी को? इसके बाद जो बात आती है, इसके बाद जो बात आती है वो नेक्स्ट है कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई होगी। कोई कहता है साहब हम तो अग्नि से जन्मे, कोई कहता नहीं हम तो विदेश से हैं, तो कहीं ना कहीं इनके साक्ष्य हैं। इनकी उत्पत्ति के साक्ष्यों की बात करते हैं, उत्पत्ति के साक्ष्य, तो थोड़ी सी उत्पत्ति की ओर पढ़ लेते हैं अपन, है ना। मनो एक बार शांति करो, है ना, धीरज में धीर, अच्छी बात है। तो उत्पत्ति, उत्पत्ति की बात करें तो देखो उत्पत्ति में ज्यादा नहीं, चार बातें हैं। कितनी है? चार। एक तो इनको अग्निवंशी माना गया, अग्निवंशी एक तो अग्निवंशी माना गया, एक इनको क्षत्रिय माना गया, क्या माना गया? क्षत्रिय। और दूसरा इनको विदेशी माना गया, तीसरा विदेशी, चौथा तो इनको विदेशी माना, पर मजुमदार की नहीं, इसको इस बात करेंगे अपन भंडारकर, डॉक्टर है भंडारकर की, तो विदेशी मुख्य तो तीन मिलते हैं यहाँ पे साक्ष्य। देखो अग्निवंशी से इनकी उत्पत्ति भी, आपने एक बात पढ़ी होगी चौहान राजवंश पढ़ते हैं अपन है, तो पृथ्वीराज रासो आपने पढ़ा होगा, पृथ्वीराज रासो के अंदर अग्निकुंड सिद्धांत है, अग्निकुंड सिद्धांत, और अग्निकुंड सिद्धांत जो दिया पृथ्वीराज
चौहान के दरबारी जो रहे हैं चंद्रवरदाई ने, लाहौर के निवासी थे, चंद्रवरदाई ने अग्निकुंड से दान दिया था। ऐसा कहते हैं कि कभी गुरु वशिष्ठ आबू पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। बात मैंने आपको बताई थी कि आबू पर्वत पर गुरु वशिष्ठ तपस्या कर रहे थे और जो राक्षस पर्वत के जो लोग थे वो उनकी तपस्या को भंग करना चाह रहे थे। तो कहते हैं कि गुरु वशिष्ठ ने मंत्रोच्चारण से चार प्रकार के योद्धाओं को जन्म दिया। पहली बार मंत्रोच्चारण की प्रतिहारों ने जन्म लिया, कहते हैं कि नहीं रुके। दूसरी बार फिर मंत्रोच्चारण का तो परमार जन्म लिए, है ना। तीसरी बार फिर नहीं रुके तो तीसरी बार मंत्रोच्चारण हुआ तो चालुक्य आ गए, चौथी बार जो मंत्रोच्चारण हुआ तो चौहान आ गए। ये बात पृथ्वीराज रासो में चंद्रवरदाई लिखते हैं। तो अग्निवंशी इसको जो स्वीकार किया है वो पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो में कहा गया। अब पृथ्वीराज रासो लिखा किसने? चंद्रवरदाई ने, चंद्रवरदाई ने लिखा। पूरा उसको जलहण ने किया, किसने किया है? जलहण ने। भाषा इसकी पिंगल है, पिंगल नहीं मिले तो अवधी है, पिंगल ना मिले तो अवधी है। अब इसी पृथ्वीराज रासो के अंदर अग्निकुंड सिद्धांत दिया गया, अग्निकुंड सिद्धांत। अब अग्निकुंड सिद्धांत में आपको ये नहीं पढ़ना है कि भाई गुरु वशिष्ठ तपस्या कर रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, हमें कोई मतलब नहीं है। अग्निकुंड सिद्धांत के अनुसार चार प्रकार के योद्धा जन्म लेते हैं, हार मार चा अर्चो, आर मार चाचो, आर मार चाचो, आर से हो गया प्रतियार और मार से हो गया परमार, कौन से परमार, चा से हो गया चालुक्य। वैसे चालुक्य ही सोलंकी हुए, कौन है? सोलंकी, चालुक्य ही सोलंकी वंश रहे हैं। और अगला था आपका चौहान, तो हार हमारे चाचो, प्रतिहार परमार चालुक्य चौहान, हार हमारे चाचो, प्रतिहार परमार चालुक्य चौहान। जिसमें ये प्रतिहार जो रहे हैं ये सबसे महत्वपूर्ण वंश माना गया, सबसे महत्वपूर्ण राजवंश, सबसे महत्वपूर्ण राजवंश रहा यहां पे प्रतिहार। जबकि सबसे शक्तिशाली की बात करें, सबसे शक्तिशाली राजवंश यहां पे रहा है कौन सा? चौहान। तो अग्निवंशी किसमें माना गया? पृथ्वीराज रासो में। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है? चंद्रवरदाई ने। चंद्रवरदाई कहां के थे? लाहौर के निवासी थे, है ना। और पृथ्वीराज रासो जो लिखा गया था वो पिंगल अवधी भाषा में लिखा गया, अवधी भाषा में, उसी के अंदर अग्निकुंड सिद्धांत दिया गया है। मैंने आपको बताया था कि गुरु वशिष्ठ तपस्या कर रहे थे। अब गुरु वशिष्ठ वहां पे तपस्या कर रहे थे, जो राक्षस पर्वती के लोग थे उनको भंग करना चाह रहे, तो गुरु वशिष्ठ के द्वारा उस तपस्या को सफल बनाने के लिए या उन मंत्रोच्चारण के माध्यम से चार प्रकार के योद्धाओं को जन्म देते हैं। उन योद्धाओं में है प्रतिहार परमार चालुक्य चौहान, जिसमें चालुक्यों को ही क्या कहा जाता है? सोलंकी कहा जाता है। ये बात थी आपकी अग्निवंशी से। अब इनको क्षत्रिय किस किस में माना गया, तो इसको थोड़ा सा एक प्रयास से मिटाते हैं। तो क्षत्रिय होने के जो उल्लेख मिले हैं, एक तो ग्वालियर अभिलेख, ग्वालियर अभिलेख मिहिर भोज ने लिखवाया। ऐसा किसने लिखवाया? मिहिर भोज ने। बाला दिल बाला दित्ते के द्वारा लिखा गया, संस्कृत इसकी भाषा है, डिटेल से बाद में पढ़ेंगे। ग्वालियर अभिलेख जो मिहिर भोज के काल में लिखा गया है, बाला दिल या बाला दित्ते ने लिखा है। किसने लिखा है? बाला दिल या बाला दित्ते, एक ही बात है, बाला दिल या बाला दित्ते, है ना। बाला का दिल मिहिर भोज पे आ गया और तो ग्वालियर अभिलेख लिखवा दिया, ऐसा ना। ग्वालियर अभिलेख की भाषा संस्कृत है, एक तो ग्वालियर अभिलेख की बात कर रहे हैं। दूसरा है राजशेखर, एक अपने राजशेखर जो संस्कृत के आचार्य हैं, राजशेखर जो एक प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के गुरु हैं, सा महेंद्रपाल के गुरु कौन है? राजशेखर। ये बात जब अपन काव्य कृतियां पढ़ रहे थे, काव्य कृतियों में ये बात मैंने बोली थी कि राजशेखर की बात करेंगे तो अपन प्रतिहार वंश में पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। तो राजशेखर की एक कृति है काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी विंसार भंजिका, बाल रामायण बाल भारत भुवन कोश प्रबंध कोश हर विलास स्वाहा, याद है आपको? करती है
मैंने ये कहा था कि राजशेखर दरबारी विद्वान महेंद्रपाल और मैं ही पाल के, तो ये प्रतिहार वंश में इसका बड़ा उल्लेख है। प्रतिहार वंश शासक है महेंद्रपाल और मैं ही पाल के दरबारी विद्वान जो राजशेखर है, जिन्होंने कवि मानसा प्राकृत भाषा में लिखी थी और जो संस्कृत भाषा के आचार्य थे और महेंद्रपाल के गुरु थे, महेंद्रपाल के गुरु, तो क्षेत्रीय होने के साक्ष्य में कावे मानसा में मिलते हैं। किस में मिलते हैं? कावे मानसा। कावे मानसा किसने लिखा है? राजशेखर ने लिखा है। एक बात आएगी, डॉक्टर गौरी शंकर हीरानंद ओझा जी, डॉक्टर गौरी शंकर हीरानंद ओझा, डॉक्टर गौरी शंकर हीरानंद ओझा, गौरी शंकर हीरानंद, हीरानंद ओझा, सिरोही से बिलोंग करते हैं। प्राचीन एक किताब थी बड़ी प्रसिद्ध, प्राचीन भारतीय लिपिमाला, ऐसा ही था ना करती, हाँ, तो किसकी है? गौरी शंकर है ओझा की, डॉक्टर गौरी शंकर हीरानंद ओझा कहते हैं जी। ए तुम्हारा या ए देसी क्षत्रियासा, राजस्थान से है, बार सकुने अवड़ा, ए राजस्थान की है, ये कहता है देसी क्षत्रिय, देसी क्षत्रिय मतलब समझ रहे हो? अरे अंग्रेजी नहीं है, देसी क्षत्रिय कह रहा है ये। देसी क्षत्रिय का मतलब हुआ कि इसी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं साहब, ये तो हमारे राजस्थान के ही थे देसी क्षत्रिय। देसी क्षत्रिय कौन कहता है? हीरानंद ओझा। परंतु युवांग छुआंग कुची कुची वाला अवेंशा है ना, युवांग छुआंग करते ना, ये जो अपने तिब्बती आते हैं तो ये अपने राम राम सा नहीं करते, सीधा ही करते हैं झुक के कुची कुची, क्या करते हैं? कुची कुची। तभी तो बोला युवांग छुआंग कुची वाले अवेंशा, कुची कुची वाले अवेंशा, ऐसे बोलते हैं। अवेंशांग का पूरा मूल नाम क्या था? युवांग छुआंग। अब एक बात आती है यहाँ पे अवेंशांग की, अवेंशांग, अवेंशांग का मूल नाम है युवांग छुआंग, युवांग छुआंग, क्या नाम है? युवांग छुआंग। अब युवांग छुआंग कहते हैं नाजी, आपके राजस्थान के नहीं, भारतीय हैं ये, भारतीय क्षेत्रीय हैं भारत के। अब देसी नहीं कहा, किसी क्षेत्र विशेष का नाम नहीं लिया, इन्होंने कहा कि भारतीय क्षेत्रीय, भारतीय क्षेत्रीय, भारतीय क्षेत्रीय, इनको किसने कहा है? अवेंशांग ने। तो हमने अग्निवंशी की बात कर ली और क्षेत्रीय वंश की बात करी। क्षेत्रीय किसको कहा है? कि वे क्षेत्रीय थे, क्षेत्रीय राजपूत रहे हैं, ग्वालियर अभिलेख में कहा गया, मीरबोध के काल में बालादी ने लिखा, संस्कृत भाषा में लिखा था। राजशेखर की काव्य मानसा कृति में बात स्पष्ट लिखी हुई है कि प्रतिहार जो है वो क्षेत्रीय रहे। गौरी शंकर हीरानंद कहते हैं नहीं साहब, ये हमारे देसी क्षत्रिय हैं, हमारे राजस्थान से बिलोंग करते हैं, हमारे एरिया से। अवेंशांग कहते हैं ना ना ना, ऐसी बात नहीं है साहब, ये गुजी गुजी भारत वाले हैं, किस एरिया से हमें नहीं पता, ये कहते हैं भारतीय क्षत्रिय। अब विदेशी की बात करें तो एक व्यक्ति आता है कनेडी महोदय, वो कैसा? सारी बातों की झूठी बात, ए थारा भारत का कोनी सा, ए तो ईरान सावड़ा है, कहां से? ईरानी मूल के हैं साहब, ये ईरान के मानते हैं। कनेडी मोते कहते हैं कि नहीं नहीं साहब, ईरान से, कहां से हैं? ईरान से। चलो कनेडी मोदी की बात को स्वीकार कर लेते हैं कि ईरान से आए होंगे भाई, विदेशी कह रहे हैं तो अपनी तो पंथ पढ़ाएंगे, मोड़ियो तो आपको ही पंथ पढ़ावे है नहीं, मोड़ो तो भाई विदेशी, तो विदेशी बताएगा भारत का क्यों बताएगा। इसके बाद देखो नेक्स्ट है अर्नले बलुआ और एक व्यक्ति समित, ए तीनू कह ना ना सा आइए, क्या ऊना की संतान ही? अरे अपने गामा की भाषा में बोलिया करें टावरो, अरे या ऊनी कड़े से नाचे, तेरे ऊनी नाचे है गे हैं, ऊनी ऊनी एक जाति है और विदेशी है, उनके एक विदेशी जाति है। अर्नले ब्लूअर स्मिथ कहते हैं कि भाई ऊनों की संतान रही है ये, किसकी? ऊनों की, ये ऊन वंश से है, ये ऊनों से थे साहब, अपने राज भारत तो आ गए और बाद में इन्होंने अपने आगे भाषा वासा सीख ली होगी, पर ये ऊन थे, क्या थे? ऊन। एक आता है कनिघम, कनिघम एक ही बात ही निराली, ओ कहवे सा कुषाण थे ये, क्या थे? कुषाण। कुषाण को ही यू चियो कहते हैं, यू चियो, आपने कहें कुचियो,
वो कवे यूचियो हुआ होगा कि यूचियो से ही कूचियो बना होगा भाई है। कई बार कहेगा क्यों देख के यहाँ कूचियो सो अंडे हैं, भूल जाएगी नहीं। तो एक कुषाण जो जाति है, कौन सी कुषाण, कुषाण जाति भी विदेशी, इसी को यूचियो कहा जाता है। तो कनिगम कहते हैं कि ये तो कुषाणों की संतान है या यूचियो की संतान है। अपने राजस्थान का एक इतिहासकार डॉक्टर भंडारकर, डॉक्टर हैं भंडारकर, डॉक्टर भंडारकर कहते हैं साहब ये विदेशी है। और विदेशी है, विदेशी एक जाति है गुर्जर जाति, इसके ना इसका काम ही नहीं राला। अब तक जितने अभिलेख पड़े उसके ऊपर पानी फेर दिया साहब इसने, तो इतिहासकार ने बड़ी गजब बात बोल दी। ले अब तक अपन जितनी बात कर रहे हैं कभी गुर्जर जाति के रहे हैं, गुर्जर गोत्र रहा होगा, गुर्जर जाति के किसान रहे होंगे, गोत्र इनका प्रत्यार गोत्र रहा होगा, हमने सारी बातें पढ़ी। भंडारकर कहते हैं ना साहब विदेशी हैं। तो यहाँ पे एक प्रश्न बन गया, निम्न में से राजस्थान का कौन सा इतिहासकार प्रतियारों को विदेशी मानता है? तो उसका नाम है डॉक्टर ए भंडारकर, डॉक्टर ए भंडारकर। आज की क्लास अपन यहीं तक लेंगे, कल अपन जितना अपन दोबारा से पढ़ेंगे इनकी उत्पत्ति तक पुनः रिवाइज करेंगे, पुनः क्या करेंगे रिवाइज, और कल अपन पढ़ेंगे इनकी शाखाओं की। पर इससे पहले अपने को पढ़ना पड़ेगा हवेन साम को और मुहणोदय नैणसी को, मुहणोदय नैणसी को भी डिटेल से पढ़ेंगे और हवेन साम की बात भी अपन पढ़ेंगे युवान चुआंग की। तो थोड़ा सा इसको अपन लिख लेते हैं, अभी एक बार थोड़ा रिवाइज करते जाएंगे फिर दोबारा से लिखते जाएंगे।